आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ पाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइसेस एक सुपर क्लास है। इसको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। प्लेकोडर्मी में एक्सटिंक्ट फिशेस आती हैं, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस कार्टिलेजिनस फिशेस कहलाती है और ऑस्ट्रिक्थिस बोनी फिशेस कहलाती है। कॉन्ड्रिक्थिस को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सिलेजियाई एंड होलोसिफेलाई। सिलेजियाई को दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, प्लूरोट्रिमेटा एंड हाइपोट्रिमेटा। इसमें गिल स्लिट्स बॉडी के लेटरल साइड्स में होते हैं और इसमें वेंट्रल साइड में होते हैं। ऑस्ट्रिक्थिस को दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सार्कोप्टेरिजी एंड एक्टिनोप्टेरिजी। और सार्कोप्टेरिजी को दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, क्रोसोप्टेरिजी एंड डिप्नोई। एक्टिनोप्टेरिजी को तीन सुपर ऑर्डर में डिवाइड किया है, कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई एंड टीलोस्टियाई। कॉन्ड्रोस्टियाई को दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, पॉलिप्टेरिफॉर्मिस एंड एसिपेंसिफॉर्मिस। और होलोस्टियाई को फिर से दो ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, एमीफॉर्मिस एंड सेमियोनोटीफॉर्मिस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेकोडर्मी की। प्लेकोडर्म को फर्स्ट ट्रू फिशेस भी कहा जाता था, इन्हें प्लेट स्किन्ड फिशेस भी कहा जाता था और इनकी बॉडी पर आर्मर या कवच प्रेजेंट था ऑस्ट्रिकोडर्म फिशेस की तरह। ये मोस्टली बॉटम ड्वेलर्स थी और कार्टिलेजिनस फिशेस के क्लोज थी। इनका शेप और साइज वेरी करता था, लेकिन इनके अंदर एक डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड इनकी बॉडी थी, जो एक अडेप्टेशन थी इनकी बॉटम लिविंग हैबिट के लिए, ताकि ये बॉटम पर इजीली रह सकती थी। इसका एग्जांपल है क्लाइमेटियस और बोथ्रियोलेपिस। अब इनका एंडोस्केलेटन बोनी तो प्लेकोडर्मी में बोनी तो था ही इनका एंडोस्केलेटन। और दूसरी अगर अपन बात करें तो इनके अंदर इनको हम आर्म फिशेज भी कहते हैं, क्योंकि इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो बोनी प्लेट्स और शील्ड की फॉर्म में था। ओके, ये इनमें हेट्रोसर्कल कोडल फिन प्रेजेंट था, मतलब कोडल फिन की दोनों लोब्स बराबर नहीं थी। सेकंड हम बात करते हैं कॉन्ड्रिक्थिस की, जिन्हें अपन इलेस्मोब्रैंक फिशेज भी कहते हैं। एक्सक्लूसिवली मेराइन होती है, समुद्र के पानी में ही रहती है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है और माउथ वेंट्रल सरफेस पर होता है, टर्मिनल नहीं होकर के वेंट्रल होता है। इनकी बॉडी पर प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट होते हैं और टीथ भी प्लेकोइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। ये जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है ये अनकवर्ड होती है, इन पर कोई कवरिंग नहीं होती है, मतलब ऑपरक्यूलम एब्सेंट होता है। ब्रेन में लार्ज ऑल्फैक्ट्री लॉब्स प्रेजेंट होती है। टेल हेट्रोसर्कल होती है, जिसकी दोनों लॉब बराबर नहीं होती है। एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट होता है और मेल में कॉपुलेशन के लिए क्लेस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ड्रिक्थिस की पहली सब क्लास आती है सिलेजियाई। सिलेजियाई की हम बात करें तो इसमें इसकी जो पेक्टोरल फिन होता है उसमें कार्टिलेजिनस रोड प्रेजेंट होती है। ओके, इसमें फिन्स वेल डेवलप होते हैं और कोडल फिन हेट्रोसर्कल होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिलेजियाई फिशेस में कोडल फिन हेट्रोसर्कल सब फिशेस के अंदर आपको दिख रहा है कि इसमें हेट्रोसर्कल टेल होती है और फिन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर आता है प्लूरोट्रिमेटा, जिसमें गिल स्लिट्स लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। प्लूरो मतलब साइड होता है, लेटरल साइड, और इसमें पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्ट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें शार्क और डॉग फिशेस आती हैं। इसमें एग्जांपल है स्कॉलिडॉन, स्फिरना और स्टिगोस्टोमा। तो ये आप देख सकते हैं स्कॉलिडॉन, जिसे हम डॉग फिश भी कहते हैं, और ये स्फिरना है, जिसे हैमर हेडेड शार्क कहा जाता है, और स्टिगोस्टोमा जिसे हम टाइगर शार्क कहते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी टाइगर की स्किन की जैसी होती है। दूसरा होता है ऑर्डर हाइपोट्रिमेटा। हाइपोट्रिमेटा में स्केट्स और रेज आती हैं। इनकी गिल स्लिट्स वेंट्रल साइड पर होती है, इसीलिए इसका नाम हाइपोट्रिमेटा रखा गया है। बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है और पेक्टोरल फिन इनॉर्मसली एक्सपांडेड होता है। ये आप देखिए, ये फिन जो है वो पेक्टोरल फिन एक्सपांड होता है ये वाला। तो ये एंटीरियर साइड से लेकर के पोस्टीरियर साइड तक एक्सपांड रहता है। इसमें गिल ओपनिंग वेंट्रल होती है और गिल स्लिट्स फाइव होते हैं। डॉर्सल फिन अगर प्रेजेंट होता है तो वो कहाँ होता है? टेल पर प्रेजेंट होता है। एग्जांपल है इसका प्रिस्टिस, राइनोबैटस एंड टॉर्पिडो। इसमें सब क्लास दूसरी आती है होलोसिफेलाई। होलोसिफेलाई का एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है। इसमें काइमेरा आती है, जिसे हम डेविल फिश या किंग ऑफ हेरिंग्स भी कहते हैं। इसमें न तो स्पाइरेकल होता है, न क्लोएका होता है, न ही स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और सिंगल गिल ओपनिंग इसमें प्रेजेंट होती है। इनमें नोटोकोड परसिस्टेंट होती है, पुअरली डेवलप्ड वर्टिब्रा होती है, होलोस्टाइलिक जो सस्पेंशन होता है, जिसमें अपर जो इमोएबली क्रेनियम के साथ यूनाइट रहता है, इसीलिए हम इसे होलोसिफेलाई कहते हैं।
और टीथ एक साथ मिलकर के क्रशिंग प्लेट बनाते हैं, इनमें एनेमल एब्सेंट होता है, और ये मोलस्का, क्रस्टेशियंस, ये सी अर्चिन्स जो इकानोटर्मेट्स में आते हैं, उनकी क्रशिंग के लिए एक अडेप्टेशन होती है। तो ये काइमेरा है, इसे हम कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस की कनेक्टिव लिंक भी कहते हैं। क्लास थर्ड होती है ऑस्टिक्थिस, जिसे हम टीलोस्टीमियाए कहते हैं। ये मेराइन फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर फिशेज होती हैं। इनका एक्सोस्केलेटन साइक्लॉइड, टीनॉइड और गैनोइड स्केल का बना होता है, और एंडोस्केलेटन बोनी होता है, इसीलिए इन्हें से ऑस्टिक्थिस फिशेज कहते हैं। और जो सस्पेंशन इसमें ऑटोस्टाइलिक होता है, गिल स्लिट्स पर कवरिंग होती है जिसे ऑपरक्यूलम कहते हैं, यहाँ ऑपरक्यूलम प्रेजेंट होता है और यूजली इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इसमें सब क्लास आती है सार्कोप्टेरिजी। हम ऑस्टिक्थिस की बात कर रहे हैं, इसमें पहली यहाँ पर ये सब क्लास कौन सी है, सार्कोप्टेरिजी, और दूसरी होती है एक्टिनोप्टेरिजी। सार्कोप्टेरिजी को हम फ्लेशी या लॉफ्टफिंड या एयर ब्रीदिंग फिशेस कहते हैं। इसका ऑर्डर फर्स्ट है क्रोसोप्टेरिजी। क्रोसोप्टेरिजी प्रिमिटिव फ्लेशी फिंड एक्सटिंक्ट फिशेज हैं। इसमें एक ही सिंगल लिविंग जीनस है, लेटीमेरिया। इसमें एक और ऑर्डर हम देखते हैं डिप्नोई। डिप्नोई में लिविंग फिशेस आती है जिसे हम लंग फिशेस कहते हैं। ये तीन लंग फिशेस हैं, नियोसिरेटोडस, प्रोटोप्टेरस एंड लेपिडोसायरन। नियोसिरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है, प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंग फिश है, और लेपिडोसायरन साउथ अमेरिकन लंग फिश है। सब क्लास टू है एक्टिनोप्टेरिजी, जिसमें फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर फिशेज आती है। इसमें इंटरनल नॉस्ट्रल नहीं होता है। इसका सुपर ऑर्डर है कॉन्ड्रोस्टिया। कॉन्ड्रोस्टियाई की हम बात करें तो इसमें एक ऑर्डर आता है पॉलिप्टेरिफॉर्मिस। पॉलिप्टेरिफॉर्मिस में जो फिशेज आती है उसमें गैनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें कॉडल फिन सिमेट्रिकल होता है, और डॉर्सल फिन में कई पिक्यूलर फिनलेट्स प्रेजेंट होती हैं। ये फिश जो है वो कौन सी है, पॉलिप्टेरिस है। इनकी बॉडी पर गैनोइड स्केल प्रेजेंट है, कॉडल फिन सिमेट्रिकल होता है, और इसमें फिन्स में कई फिनलेट्स प्रेजेंट होती है। दूसरा ऑर्डर आता है होलोस्टियाई, जिस सुपर ऑर्डर है होलोस्टियाई। इसमें एक ऑर्डर आता है एमीफॉर्मिस, इसका एग्जांपल होता है एमिया, ओके। और दूसरा ऑर्डर है लेपिडोस्टिफॉर्मिस, जिसका एग्जांपल होता है लेपिडोस्टियस। सुपर ऑर्डर तीसरा है टीलोस्टियाई। टीलोस्टियाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर ऑर्डर है। इसमें लगभग 25,000 तक स्पीशीज होती है, और इसको कई ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्लूपीफॉर्मिस। क्लूपीफॉर्मिस में कॉडल फिन कैसा होता है, होमोसर्कल होता है, देखिए दोनों लोब बराबर हैं, और इसका एग्जांपल है हिल्सा और सालमन। सेकंड आता है साइपरिनीफॉर्मिस। साइपरिनीफॉर्मिस जो होती है उसमें वेबेरियन ओसाइकल जो है वो ईयर को कनेक्ट करता है एयर ब्लैडर के साथ में। इसमें एग्जांपल आता है कार्प, जिसमें लेबियो भी आती है, आप देख सकते हैं ये लेबियो रोहिता है। फिर ऑर्डर थर्ड है एंगुलीफॉर्मिस। एंगुलीफॉर्मिस में बॉडी कैसी होती है, इल लाइक बॉडी होती है, और इसका एग्जांपल होता है एंगुला। फोर्थ ऑर्डर होता है बेलोनीफॉर्मिस। बेलोनीफॉर्मिस में फिन्स में स्पाइंस नहीं होते हैं, और इसका एग्जांपल होता है एक्सोसीटस, ओके। ऑर्डर फिफ्थ होता है सिंगनेथीफॉर्मिस। सिंगनेथीफॉर्मिस में बॉडी ये भी जो है वो इन फिशेज में फर्स्ट डॉर्सल फिन जो है वो कैसा होता है, स्पाइनस होता है। जैसे हिप्पोकैम्पस है, यहाँ पर फर्स्ट डॉर्सल फिन कैसा होता है, स्पाइनस होता है। और सिक्स ऑर्डर होता है सिम्ब्रैंकीफॉर्मिस। इसका एग्जांपल है एस्फिनियोसिस होता है। और पर्सीफॉर्मिस फिशेज जो है इनके अंदर फिन्स में स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, और यूजली इसमें टू डॉर्सल फिन प्रेजेंट होते हैं एनाबास में। ये एनाबास फिश है। फिर है प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस। इसमें दोनों आईज स्कल के एक साइड पर प्रेजेंट होती है, मतलब एसिमेट्रिकल होती है, और फिन्स में स्पाइंस नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल होता है साइनोजियोसिस। फिर आता है इकाइनीफॉर्मिस। इकाइनीफॉर्मिस में जो डॉर्सल फिन है, जो स्पाइनस डॉर्सल फिन होता है, वो एक एडेसिव डिस्क बनाता है। ये देखिए एडेसिव डिस्क बनाता है जो कि हेड पर प्रेजेंट होती है। इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, और इसका एग्जांपल है इकाइनिस। ऑर्डर 10 है ओफियोसिफेलीफॉर्मिस। इन फिशेज में जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें स्पाइंस नहीं होते हैं, स्केल साइक्लॉइड होते हैं, और एयर ब्लैडर बहुत ही लंबा होता है इनके अंदर। इसका एग्जांपल होता है चन्ना। फिर बात करते हैं, ये तो हमने क्या देखा था, इकाइनीफॉर्मिस की बात की, और ये चन्ना इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका ओफियोसिफेलीफॉर्मिस का। फिर आता है
टेफ्राडोंटिफॉर्मिस, इसका एग्जांपल डायोडोन होता है। इसमें गिल ओपनिंग रेस्ट्रिक्टेड एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट और एब्सेंट। इसका एग्जांपल है टेट्राडोन हुए, डायोडेन है जिसे हम पोर्क्यूपाइन फिश भी कहते हैं। फिर आता है गैडीफॉर्मिस, इसका एग्जांपल होता है गैडस। थैंक यू।